165 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के अंदर एक साथ शुरू होने जा रहे हैं। इस लेवल का डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता पंजाब ने आज तक 75 साल में कभी देखा था। अभी पूरे 2 साल भी नहीं हुए हमारी सरकार को, 2 साल होने में भी 16 दिन बाकी हैं। 16 मार्च को शपथ, 14 दिन बाकी है सर। 14 दिन बाकी हैं, तो 14 दिन बाकी हैं। 2 साल से कम में इतने बड़े स्तर के ऊपर 829 मोहल्ला क्लिनिक आज शुरू हो गए। लगभग कोने कोने के अंदर अब मोहल्ला क्लिनिक पहुंच रहे हैं। अब बस ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे इलाके रह गए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, अब वहां पे उन इलाकों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और अभी जो अंदर कुछ 2-3 पेशेंट बैठे थे उनसे भी बात की, लेकिन उसके अलावा जो पेशेंट्स जो अभी तक मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं उनसे लगातार फीडबैक हमारे पास जो आ रहा है कि लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। आप भी जब मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाओ तो लगता नहीं कोई सरकारी डिस्पेंसरी है। सरकारी डिस्पेंसरी पहले जिस किस्म की होती थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे, टूटे फूटे होते थे। चुनाव के दौरान आपको याद होगा एक बार हम गए थे वहां पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ताला लगा हुआ था, वहां कुत्ते घूम रहे थे अंदर। ये सरकारी हेल्थ सिस्टम हुआ करता था पहले, और पूरे देश में इसी किस्म का है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने एकदम 5 स्टार एयर कंडीशन्ड शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं कि गरीब तो क्या, अमीर आदमी भी, मिडिल क्लास वाले भी अब मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाके अपना इलाज कराते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में सारा इलाज मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त हैं, टेस्ट मुफ्त हैं, सब कुछ मुफ्त है। और अब इसी को हम हायर लेवल पे ले जा रहे हैं। जैसा भी मान साहब ने कहा कि 26 जनवरी को सारे CMOs को और उनको ऑर्डर दे दिए गए हैं कि सारी दवाइयां जो बड़े अस्पताल हैं, बड़े अस्पतालों को भी रिनोवेट किया जा रहा है और उनको भी शानदार बनाया जा रहा है, लेकिन जितने बड़े अस्पताल हैं वहां भी सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त हुआ करेगा। तो आम आदमी पार्टी आज से 12-13 साल पहले बनी थी, और हमारे में से कोई नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, हमें नेतागिरी करनी, राजनीति करनी नहीं आती, हम आप ही की तरह लोग हैं, आम लोगों में से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमें पता है कि एक आम आदमी अपना परिवार कितनी मुश्किल से पालता है, एक आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पालता है, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देता है। इसीलिए हमने स्कूल अच्छे बनाने चालू किए। हमें पता है कि घर में अगर किसी मिडिल क्लास के गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है उसको। अस्पताल में इलाज कराने जाता है, सरकारी में इलाज होता नहीं था, प्राइवेट में जाता है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने अस्पताल ठीक करने चालू किए, इसीलिए हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए। हमें पता है कि बिजली का बिल जब महीने के अंत में आता है कितनी मुश्किल होती है भरने के अंदर, इसीलिए हमने बिजली मुफ्त कर दी। जो एक आम आदमी की जिंदगी में तकलीफें आती है उन तकलीफों का समाधान करने की हमने कोशिश की है। इसीलिए इतने बड़े स्तर के ऊपर जनता हमसे जुड़ती जा रही है। हमें राजनीति नहीं आती, और जनता को राजनीति नहीं चाहिए, जनता को ये गाली गलौज नहीं चाहिए। ये दिखा दिया जनता ने, दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और जहां भी हम जा रहे हैं जनता हमारा साथ दे रही है। तो आज ये मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज इतने बड़े खुशी के मौके का हिस्सा बन सका। जलंधर में एक साल पहले हम चुनाव के दौरान आए थे, बाई इलेक्शन का टाइम था, रिंकू हमारे कैंडिडेट थे, रिंकू के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। तब हमने कहा था एक साल बाकी है लोकसभा चुनाव का, एक साल के लिए हमें मौका दो, और एक साल के अंदर काम पसंद आए तो अगला मौका देना। एक साल के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा सारी समस्याएं दूर हो गई, लेकिन मान साहब ने जैसे अभी गिनाया कि कितने सारे काम जलंधर के अंदर, कितनी सारी सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, सड़कें बनाई गई हैं, और बहुत सारे काम जो हैं वो चालू किए गए हैं। अब मेरी पंजाब के लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के अपील है कि 13 की 13 सीटें आप हमें जिताओ। इसलिए नहीं कि हमें कोई सत्ता का शौक है, इसलिए कि आज जिस तरह से पंजाब के लोगों पे केंद्र सरकार का आक्रमण हो रहा है, मुझे बेहद दुख हुआ जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी के ऊपर भगत सिंह की फोटो थी, भगत सिंह का वो था, करतार सिंह सराबा का, लाला लाजपत राय की वो गुणगान था, भाई भागो, और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार होती कौन है भगत सिंह को, करतार सिंह सराबा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाली? तो ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों के सम्मान की बात है, ये तो एक तरह से पंजाब के लोगों का बेइज्जत करने की बात है। पिछली साल जब बजट स्पीच थी, बजट का सेशन था, गवर्नर ने बजट सेशन नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बजट सेशन करने के लिए। अभी जैसा इन्होंने बताया 8,000 करोड़ रुपया
पंजाब के हक का, पंजाब के लोगों का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं दे रही। सोचो अगर 8,000 करोड़ रुपया आ जाए, कितनी और सड़कें बनेंगी, कितनी और अस्पताल बन सकते हैं, कितने और स्कूल बन सकते हैं। तो अगर आप 13 की 13 सीटें दोगे तो भगवंत मान के हाथ मजबूत होंगे। आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है केंद्र सरकार से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है गवर्नर से, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है बीजेपी से। अगर आप 13 सीटें देते हो तो 13 इसके हाथ 13 हाथ बन जाएंगे, वो जाके लड़ेंगे दिल्ली के अंदर, वो आपका पैसा लेके आएंगे, वो ये होने नहीं देंगे कि आपका मान सम्मान, पंजाबियों के मान सम्मान के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर सके। आपका जैसे 2 साल आपने देख लिया, हमें 2 साल देके देखे, 2 साल के अंदर इतना शानदार काम हुआ है जो आज तक 75 साल में पंजाब के लोगों ने नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं हल होगी, टाइम लगेगा, इन्होंने 75 साल में जो बेड़ा गर्क किया उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जैसे आपने 117 में से 92 देके आशीर्वाद दिया था, इतना ही तगड़ा आशीर्वाद हमें इस लोकसभा चुनाव के अंदर चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। कोई सवाल? पंजाब की सीटें कब तक अनाउंस? हमारी बातचीत कल भी रात को ये चल रही है, अगले 2-4 दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाए।